सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, हम बना रहे हैं आज गार्लिक राइस। गार्लिक राइस के लिए हमने लेने हैं आधा किलो चावल, और ये इतना बॉयल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए, फुल कुक नहीं करना है इनको चावलों को। और थोड़ा सा मैंने नमक डालकर इनको बॉयल किया है, 1 टेबल स्पून नमक डालकर मैंने बॉयल कर लिया है पहले। ये हमने ऑनियन लेनी है ग्रीन 4-5, इसको हमने इस तरह से चॉप कर लेना है। फिर हमें चाहिए इसके लिए ये चाइनीज सॉल्ट 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून ये वाइट पेपर या दखनी मिर्च भी कह लें आप, या वाइट पेपर ले लें। सोया सॉस हमने 1 टीस्पून लेना है, और ये गार्लिक जो कि इसकी स्पेशलिटी है यही कि ये गार्लिक राइस बन रहे हैं, इसके लिए हमने गार्लिक लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच या 4 टेबल स्पून हमने ये गार्लिक लिया है। और नमक हमने टेस्ट के मुताबिक अपने लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चावल भी बॉयल किए हैं नमक डालकर। अब हमने लेना है 1/2 कप, मैंने या 4-5 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने ये गार्लिक ऐड करना है बहुत आहिस्ता से, आँच भी आपने आहिस्ता रखनी है पहले। अब थोड़ी सी आँच आहिस्ता तेज करें इसकी। गार्लिक को हमने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गार्लिक हमने इसमें ऑयल में फ्राई किया है बस 3-4 सेकेंड। अब हम इसमें ये राइस जो है वो ऐड करेंगे आहिस्ता से। राइस इसमें ऐड करके हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है गार्लिक के साथ। अब हमने इसमें ये सोया सॉस ऐड कर देना है, साथ ही हमने ये चाइनीज सॉल्ट, ये वाइट पेपर, और ये हमने इसमें ग्रीन ऑनियन ऐड करके नमक हमने हसबे जायका इसमें ऐड करना है। और हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके सब चीज़ें इसमें मिक्स राइस में अच्छी तरह से हमने करनी है, ताकि ये सारी इक्वल हो जाए। अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए आहिस्ता आंच पर दम पर कर रख देना है। ये हमारे गार्लिक राइस बिल्कुल रेडी हो गए। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा सा फ्लेवर गार्लिक का। और ये बस मैंने इसको हार्डली 5 या 6 मिनट जो है वो दम पे रखा है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। ये गार्लिक राइस बहुत अच्छे से हमारे तैयार हो गए हैं, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर गार्लिक का इसमें है। आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर तैयार कीजिए घर पर। केचप और मायोनीज के साथ इसको आप सर्व करें, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी रेसिपी लगी आपको।
आप बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि बच्चे ऐसे जो राइस हैं बहुत लाइक करते हैं। और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और लाइक करना भी नहीं भूलिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।